अस्सलामुअलैकुम, हेलो वीवर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बनाएंगे राजमा मसाला करी। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। 200 ग्राम हमने राजमा लिया है, ये लाल राजमा है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। ये दो तीन कलर का होता है। इसे हमने ओवरनाइट भिगा के रखा था, बहुत अच्छी तरीके से ये भीग चुका है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो गुनगुने पानी में इसे 5 से 6 घंटा भिगा के भी आप बना सकते हैं। ओवरनाइट भिगाने से इसका रिजल्ट और भी बहुत अच्छा आता है। तो आइए सबसे पहले इसे उबाल लेते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें राजमा को डाल देते हैं। और इसमें 4 कप पानी डालेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और 2 हरी इलायची। 2 से 3 सीटी इसे लगाएंगे हाई फ्लेम पे, उसके बाद चूल्हे के फ्लेम को कम कर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसे फिर पकाएंगे। इसे पकने में 10 से 12 मिनट लगेंगे क्योंकि बहुत अच्छी तरह से राजमा फूल चुका है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे। मिलते हैं फिर 10 से 12 मिनट बाद। हमारा राजमा गल चुका है, आप देख सकते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट एकदम गला है ये। तो चलिए अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं। चूल्हे को फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है। यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी हमारा गर्म हो जाए। घी मेल्ट हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच शाह जीरा ये डाल देंगे। घी और शाह जीरे का जो फ्लेवर आता है राजमा में, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े। 1 तेज पत्ता डाल देना है और इसमें 1 चम्मच अब अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच डालेंगे लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छी तरीके से भून लेना है जब तक कि इसका स्मेल ना चला जाए, कच्चापन इसका निकल जाए, तब तक हमें इसे भून लेना मीडियम फ्लेम पे। अदरक लहसुन हमारा भून चुका है, अब इसमें प्याज का पेस्ट ये डाल देंगे 2 चम्मच और इसे भी अच्छे से भून लेना है। मैं यहाँ पे इसे घी में बना रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल में भी बना सकते हैं, रिफाइन ऑयल, सरसों ऑयल। प्याज को हमने अच्छे से भून लिया, अदरक लहसुन प्याज। अब इसमें 2 टमाटर का हमने फाइन पेस्ट बना लिया था, तो अब इसे डाल के भी भून लेना है अच्छी तरीके से। आप चाहें तो बारीक चॉप करके भी टमाटर डाल सकते हैं और उसे भूनने के बाद 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे तो टमाटर गल जाएगा और अच्छी तरीके से मसाला में मिक्स हो जाएगा। अब 1 चम्मच इसमें तीखा लाल मिर्च ये डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इन सब मसालों को डाल के अच्छे से इसे भून लेना है। इतना भूनना है इसे कि इसका ऑयल ऊपर आ जाए और एक बहुत ही अच्छी सी सौंधी सौंधी मसाले से खुशबू आने लगे, तो आप समझ जाएंगे कि हमारा मसाला जो है अच्छे से भून चुका है। 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते हैं चलाते हुए। अब इसमें 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें 2 चम्मच पानी डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेना है ताकि हमारा मसाला जले ना। देखिए मसाला हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से भून चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इस टाइम हम इसमें बॉईल किया हुआ राजमा इसे डाल देना है। इसका पानी समेत ही डालना है, इसका पानी ना फेंके, और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। ये खड़ा मसाला ये सब निकाल दें
जो हमने बॉईल करते समय डाला था ना वो सब निकाल दें। राजमा डाल के हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक कम लगे तो आप यहाँ पर चेक करके नमक डाल सकते हैं। और इसमें अब 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला के बिना तो राजमा बहुत ही अधूरा है। गरम मसाला से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और बहुत मज़ेदार बनता है। तब इसे ढक के पकाते हैं 4 से 5 मिनट ताकि राजमा में अच्छी तरीके से मसाला अब्सॉर्ब हो जाए। आप देख सकते हैं हमारा मसाला राजमा मसाला करी रेडी हो चुका है। इसी तरीके का हमें चाहिए था तो ये अभी थोड़ा अधूरा है तो इसमें हम तड़का लगाते हैं। सूखी लाल मिर्च, घी और थोड़ा सा हींग का, इससे इसका जायका और भी ज़बरदस्त हो जाता है। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह। इस रेसिपी का आप लोग ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर लेते हैं। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। चावल रोटी के साथ खाने में ये बहुत ही मज़े का लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय। थैंक यू।